भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। एक नहीं, दो दो मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई है। ये टीकाकरण अभियान अभी लंबा चलेगा, हमें जन जन के जीवन को बचाने में योगदान देने का मौका मिला है। मास्क, दो गज की दूरी और साफ सफाई, ये टीके के दौरान भी और बाद में भी जरूरी रहेंगे। टीका लग गया तो उसका अर्थ ये नहीं कि आप कोरोना से बचाव के दूसरे तरीके छोड़ दें। अब हमें नया प्राण लेना है, दवाई भी कड़ाई भी। इसका लाभ उठाएं, आप भी स्वस्थ रहें, आपका परिवार भी स्वस्थ रहें, पूरी मानव जात इस संकट की घड़ी से बाहर निकले और स्वस्थता हम सबको प्राप्त हो। मेरा आप सबसे निवेदन है कि ऐसे अवसर पर आप जागरूकता जरूर बरतेंगे और लोगों को भी सुझाव भी देंगे और सक्रियता भी से अपने स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे। जो समय समय पर स्वास्थ्य विभाग की दिशा निर्देश प्राप्त हो रहे हैं उसको जरूर और जरूर करके उसका पालन करेंगे। आप सब लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं भारत सरकार के शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के साथ कोरोना टीकाकरण के मुहिम में शामिल होकर स्वयं एवं राष्ट्र को सुरक्षित बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। भारत में निर्मित कोरोना वायरस का टीका पूरी तरह से सुरक्षित है। हमने भी अपने विश्वविद्यालय में टीकाकरण का अभियान चलाकर सभी अध्यापकों और कर्मचारियों का टीकाकरण कराया। मैंने अपनी माताजी जो 96 वर्ष की है उनका भी टीकाकरण करवाया। आप टीकाकरण को लेके आप किसी भी भ्रम में न रहे, अपनी बारी आने पे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर टीका अवश्य लगवाए। टीकाकरण को लेकर किसी भ्रम में न रहे, अपनी बारी आने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर टीका जरूर लगाए। बड़ा और सरल उपाय है कि हम वैक्सीनेशन कराएं। वैक्सीनेशन यदि हम एक बार कराते हैं तो उसमें लगभग 28 से 40 दिन के भीतर हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है और उसके बाद जब हम दूसरी डोज लेते हैं तो वो दूसरी डोज उससे भी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ क्रिएट करती है। तो होता ये है कि जब अगर हम संक्रमित हो भी जाते हैं तो हम उतनी गंभीर बीमार नहीं पड़ते, उतनी गंभीरता से इस महामारी का शिकार नहीं होते जितनी गंभीरता से बिना वैक्सीनेशन के हो सकते हैं। इसलिए हृदय से आप सबसे अनुरोध है कि सरकार ने बहुत सुंदर प्रावधान किए हैं, 18 वर्ष से ऊपर की आयु वालों के लिए सभी के लिए दो बार का वैक्सीनेशन आवश्यक है। तो कृपया वैक्सीनेशन को बहुत सीरियसली लें। हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान खुद रखना है। कोरोना की वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, इसके बारे में कोई भ्रम न पालें। अपनी बारी आने पर स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर कोरोना का वैक्सीन जरूर लगवाएं। आजकल टीकाकरण को लेकर समाज में कई प्रकार की भ्रांतियां और गलतफहमियां फैलाई जा रही है, जिसके चलते कुछ लोगों के अंदर टीकाकरण को लेकर एक संकोच आ गया है जो उनके स्वास्थ्य के हित में नहीं है। कुछ वर्ष पूर्व जब पल्स पोलियो अभियान चल रहा था तब भी कुछ लोगों ने अपने बच्चों को टीकाकरण नहीं करवाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो बच्चे आज अपाहिज हैं। हमें ये इस बात को याद रखना होगा कि कोरोना से लड़ने के लिए टीका लगवाना है और इसी से हम कोरोना से अपने आप को और अपने परिजनों को हम बचा सकते हैं। अब तक करीब 24 करोड़
देशवासियों का टीकाकरण उनके उत्साह को दर्शाता है। मित्रों, वैक्सीन के बारे में फिजूल अफवाहें और डर जिंदगी के लिए कोरोना से भी बड़ा खतरा है, इसलिए सबसे पहले टीका, नहीं तो सब फीका। टीकाकरण अर्थात जीवन का संरक्षण। टीकाकरण अब एक राष्ट्रीय अभियान है। आइए हम सभी मिलकर इस राष्ट्रीय अभियान में सम्मिलित हों और भारत को कोरोना मुक्त करने में अपना सक्रिय योगदान दें। इस महामारी पर नियंत्रण केवल टीकाकरण एवं प्रोटोकॉल पालन से ही संभव है। अतः आप सबसे अनुरोध है कि टीका लगाकर जीवन सुरक्षित करें। जय हिंद। कोरोना की दूसरी लहर जा रही है, लेकिन कोरोना गया नहीं है, इसलिए टीका, मास्क और दूरी तीनों है जरूरी। भारत में बने टीके सबके लिए उपलब्ध है, श्रेष्ठ हैं, सुरक्षित हैं। टीका लगवाएं, अपने को और अपने परिवार को बचाएं, कोरोना भगाएं।